मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंधन। पिछले वीडियो में अपन ने क्रियात्मक प्रबंधन के क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया था। क्रियात्मक प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत अपन उन टॉपिक का सारांश में अध्ययन करेंगे जो आगे अपने इस बुक में चैप्टर्स के रूप में दे रखे हैं। क्रियात्मक प्रबंधन के क्षेत्र में दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यावसायिक प्रबंधन के क्रियात्मक क्षेत्र। अपन ने पहले वीडियो में इसको शुरू किया था और उसमें अपन ने शुरू किया था उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंध बुक के अंदर अलग से चैप्टर दे रखा है, उनको अपन डिटेल से बाद में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन शॉर्ट में इनके बारे में जानकारी लेंगे। आज अपन शुरू करेंगे विपणन प्रबंध। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट है वह प्रबंध। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्पादन प्रबंध महत्वपूर्ण। प्रबंध संस्था के कुल समस्त प्रबंध व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विपणन प्रबंध आज के युग में माना जाता है। विपणन प्रबंध का अध्ययन अपन विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स बेस पे अपन करेंगे। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्राहक किस प्रकार की वस्तुएं चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात वस्तु उसी प्रकार की उपभोक्ता तक पहुंचाना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और फिर उससे वह कितना संतुष्ट हुआ है, इन बातों का अध्ययन विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। विपणन प्रबंध में मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्राहकों की आवश्यकताएं और संतुष्टि का विश्लेषण किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और प्रबंध की क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। विपणन प्रबंध में विपणन प्रबंधक ग्राहकों को समय पर माल पहुंचाना और माल बेचने के बाद उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के बाद भी उसका कार्य जारी रहता है। विपणन प्रबंध के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्रियाएं की जाती है उनको अपन अध्ययन करेंगे। विपणन प्रबंधक अपने विपणन प्रबंध की क्रियाओं में जो महत्वपूर्ण कार्य करता है उनका अपन यहाँ शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। डिटेल से अध्ययन अपन आगे विपणन प्रबंध का चैप्टर अध्ययन करेंगे उसमें करेंगे और जो इसके सब पॉइंट हैं विपणन प्रबंध के उनके संबंध में एक एक चैप्टर आगे दिया हुआ है जिनका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। विपणन प्रबंध में एक विपणन प्रबंधक निम्नलिखित क्रियाएं करता है, उसमें सबसे पहली क्रिया है विपणन नियोजन एवं पूर्वानुमान करना। यहाँ पर विपणन और नियोजन दो अलग अलग शब्द हैं। तीसरा शब्द है पूर्वानुमान। आपने पिछले साल मैनेजमेंट में प्रबंध के कार्यों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य नियोजन का अध्ययन किया था। नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है, फिर अपन विपणन नियोजन का अर्थ आसानी से स्पष्ट कर सकेंगे। हालांकि इसका चैप्टर आगे दे रखा है, उसमें डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि विपणन भविष्य के संबंध में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसे करना है, क्यों करना है आदि का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। यहाँ पर विपणन प्रबंधक विपणन नियोजन के अंतर्गत भविष्य के संबंध में कब, क्या, क्यों और किसे करना है
आदि का पूर्व निर्धारण किया करता है। दूसरा, इसमें जो क्रिया है विपणन प्रबंध की, विपणन अनुसंधान एवं बाजार अध्ययन, विपणन अनुसंधान एवं बाजार अध्ययन यह भी अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका आगे चैप्टर दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, विपणन अनुसंधान के अंतर्गत विपणन संबंधी समस्याओं को देखा जाता है, खोजा जाता है, उनका विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है, तथा समस्या का समाधान किया जाता है। तीसरा टॉपिक है उत्पाद नियोजन एवं विकास। विपणन प्रबंध के अंतर्गत संस्था में जो वस्तु उत्पादित की जाती है, जो प्रोडक्ट निर्मित किया जाता है, उस प्रोडक्ट के संबंध में प्लानिंग की जाती है तथा उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इसका भी आगे चैप्टर दे रखा है, उसको डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। जितने भी मैं पॉइंट्स इसके अंतर्गत बोलता हूँ आपको, विपणन प्रबंध के क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य, वो आगे अपन चैप्टर के रूप में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अपन केवल सिर्फ शॉर्ट रूप में अध्ययन कर रहे हैं। बाजार विभक्तिकरण, बाजारों का विभक्तिकरण किस प्रकार किया जाता है, यह भी विपणन प्रबंध के अंतर्गत क्रिया संपन्न की जाती है। वितरण का प्रबंध, विपणन प्रबंध के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अंतर्गत विपणन प्रबंधक वितरण के माध्यमों का निर्धारण करता है। वितरण के माध्यम आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, जैसे वस्तु उत्पादित होती है, वस्तु उत्पादित होने के बाद वह थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, ये जो विपणन मध्यस्थ होते हैं, वितरण के मध्यस्थ होते हैं, उनको नियुक्ति की जाती है। कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के विपणन वितरण मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, आगे डिटेल से वितरण के माध्यम के नाम से अपने यहाँ चैप्टर है, उसमें अध्ययन करेंगे। विपणन प्रबंध की अगली क्रिया है गोदाम व्यवस्था करना। वस्तु निर्मित करने के लिए रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, उसके लिए गोदाम की व्यवस्था करना विपणन प्रबंध की क्रिया में ही शामिल किया जाता है। रॉ मटेरियल के लिए गोदाम की व्यवस्था करना, दूसरा निर्मित माल के लिए गोदाम की व्यवस्था करना, यह भी विपणन प्रबंध की क्रियाओं में शामिल किया जाता है। अगला जो क्रिया है विपणन प्रबंध की, वह है विज्ञापन एवं प्रचार। आज के युग में आप अपने प्रोडक्ट को अगर उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको विज्ञापन का माध्यम अपनाना होगा एवं वस्तु का प्रचार करना होगा, यह भी आगे अपन डिटेल से चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सारांश के रूप में यहाँ संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट जो बाजार में आने वाला है या जो विद्यमान प्रोडक्ट है, उसके संबंध में उपभोक्ता को पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य सेमिनार्स के माध्यम से, मेलों के माध्यम से आप अपनी वस्तु का, आप अपने उत्पाद का विज्ञापन एवं प्रचार आसानी से कर सकते हैं। विपणन प्रबंध के अंतर्गत जो अगली क्रिया की जाती है, वैयक्तिक विक्रय, पर्सनल सेलिंग। डोर टू डोर सेल्समैन नियुक्त करके उपभोक्ता तक अपनी वस्तुएं पहुंचाना, और इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसमें उपभोक्ता की प्रतिक्रिया तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आपके उत्पाद से उपभोक्ता कितना संतुष्ट है, वह किस प्रकार उत्पाद में सुधार चाहता है। तो व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से पर्सनल सेलर जो होते हैं, डोर टू डोर वस्तुओं का विक्रय करते हैं, या फुटकर व्यापारियों के माध्यम से इसको वस्तु को बाजार में बेचा जा सकता है। विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, यह भी विपणन प्रबंध की महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत सेल्स प्रमोशन की जो विधियां हैं, वो कौन से क्षेत्र में कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और वस्तु की कीमत
उसी के आधार पर निर्धारित होगी। प्रतिस्पर्धा के युग में सेल्स प्रमोशन की विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। अगला जो है विक्रय कर्मचारी प्रबंध, जिसमें विक्रयकर्ताओं की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। विपणन प्रबंध में विक्रय कर्मचारी प्रबंध एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, जिसमें आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे समय समय पर कि विक्रय किस प्रकार से सुचारू रूप से किया जा सकता है, उनका सिलेक्शन करेंगे, उनका पारिश्रमिक निर्धारण करेंगे, उनका प्रेरणा, उनका पर्यवेक्षण एवं उनकी क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो है ग्राहक मनोविज्ञान का अध्ययन करना। विपणन प्रबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कस्टमर साइकोलॉजी का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, कस्टमर क्या चाह रहा है ये देखना विपणन प्रबंध में महत्वपूर्ण बात होती है और बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है। कस्टमर भी अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी आवश्यकता किस प्रकार की है, इसका अध्ययन विपणन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ग्राहक मनोविज्ञान विपणन प्रबंध की महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अगला है उपभोक्ता व्यवहार अनुसंधान। उपभोक्ता व्यवहार अनुसंधान के अंतर्गत विपणन प्रबंध में यह क्रिया उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में अनुसंधान किया जाता है, समस्याओं को देखा जाता है, उनका संकलन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है विक्रय के पश्चात सेवा की व्यवस्था, आफ्टर सेल्स सर्विस। विपणन के अंतर्गत आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रोडक्ट के संबंध में विक्रय के उपरांत भी सेवाएं दी जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के संबंध में आपको यह दिया जाता है कि आप उसमें ग्राहक को विक्रय के पश्चात कितनी समस्याएं, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कस्टमर वस्तु खरीदता है, उसके बाद वह अपने वस्तु का उपभोग करता है और उसके पश्चात उस वस्तु के संबंध में गारंटी या वारंटी की सर्विस है या नहीं है, शर्त और आश्वासन, हिंदी में क्या कहते हैं, गारंटी और वारंटी जो शर्त है, आश्वासन, जिनका अपन डिटेल से अध्ययन आगे करेंगे। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क संरक्षण को सुनिश्चित करना। आप अपने उत्पाद को पेटेंट सुनिश्चित करना, कॉपीराइट सुनिश्चित करना, ट्रेडमार्क सुनिश्चित करना, ये जितने भी अपन ने क्रियाएं अध्ययन की हैं वो सब विपणन प्रबंध की महत्वपूर्ण क्रियाएं अध्ययन की हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया प्रबंध, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र में जो फर्स्ट है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, इसमें कल अपन ने पहले वीडियो में उत्पादन प्रबंध का अध्ययन किया और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया। आज अपन ने विपणन प्रबंध और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया। इसके बाद अगले टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में सामग्री प्रबंध, मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक एक दिन में पूरा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत विस्तृत है। एक तरह से आपके बुक की जो क्रियात्मक प्रबंध की बुक है उसकी यह समरी है एक तरह से, इसलिए एक एक क्रियात्मक क्षेत्र को अपन यहाँ पे रोजाना अध्ययन करेंगे। थैंक यू।